राम राम भाई सारा ने, एक बार फिर से मंजीत एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हरियाणा की प्रमुख खबरें लिखे 30 नवंबर 2024 की। चलो अब शुरुआत करते हैं। एक्शन में अनिल विज, बस स्टैंड पे मिली खामियां, मंत्री ने प्रबंधक व चालकों को किया सस्पेंड, बोले मैं ऐसी ही 7 बार विधायक नहीं बना, मैं जिंदा हूँ लोगों के बीच हूँ। कांग्रेस विधायक विनीत फोगाट ने तोड़ी चुपी, कुछ दिन पहले वायरल हुई थी गुमशुदी के पोस्टर, नशे का जाल, 5 पड़ोसी राज्यों से हरियाणा आ रही है नशे की खेप, तस्कर हर बार अपनाते हैं अलग रूट और तरीके। हिसार में मंत्री कृष्णपाल पवार की अध्यक्षता में जनप्रतिवाद समिति की बैठक, 23 शिकायतों पर सुनवाई। HBSC डेटशीट 2025, हरियाणा में 26 से 12वीं और 27 फरवरी से 10वीं की बोर्ड परीक्षा संबंधित कार्यक्रम जारी। रेवाड़ी में महिलाओं ने लगाया जाम, पिछले 1 महीने से पानी की किल्लत से हैं परेशान, यातायात हुआ प्रभावित। हिसार में आरोपियों को पकड़ने पहुंची क्राइम ब्रांच के साथ मुठभेड़, गोलियां लगने से 2 घायल। इंग्लैंड में पंजाब का डंका, बरनाला का युवक ब्रिटेन आर्मी में भर्ती, मां ने गरीबी में पाला, छोटी उम्र में इसी से उठ गया था पिता का साया। पंजाब सरकार की नई शुरुआत, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर प्रदेश में लगेगा मेगा प्लेसमेंट कैंप। केजरीवाल बोले दिल्ली में गैंगस्टर राज लॉरेंस साबरमती से चला रहा है गैंग, उसे BJP का साथ। दिल्ली EV पॉलिसी, 3 माह का बड़ा इंतजार, मार्च में लागू होगी इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी, इन वाहनों को मिलेगी छूट। कच्चे पाम तेल का असर, FMCG कंपनियों ने 8% तक बढ़ाई साबुन के दाम, लागत का भार अब ग्राहकों पर। निर्मला सीतारमण ने बांटे 1388 करोड़ लोन, वित्त मंत्री का दावा 30 स्थान पर होगी भारतीय अर्थव्यवस्था। हकीकत, PM मोदी के फैलाए हुए प्रचार से बहुत अलग, धीमी आर्थिक वृद्धि को लेकर कांग्रेस का सरकार पर हमला। सिंगापुर और हांगकांग में भारतीय मसालों पर प्रतिबंध नहीं, केंद्रीय मंत्री ने सदन में बताया। सोना 700 रुपये उछलकर 79,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंचा, चांदी 1300 रुपये चढ़ी। वर्धिदर दूसरी तिमाही में 2 साल के निचले स्तर 5.4% पर फिसली, उपभोग घटने से प्रभावित हुई आंकड़े। निवेशक लौटे तो हरे निशान पर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 759 अंक चढ़ा, निफ्टी फिर 24,100 के पार। हाइब्रिड मॉडल पर होगी चैंपियन ट्रॉफी, ICC ने दिया PCB को अल्टीमेटम, कहा मानो नहीं तो। विराट कोहली संभालेंगे RCB की कप्तानी, डिविलियर्स ने दिया जवाब, भुवनेश्वर और हेजलवुड पर भी की बात। तो ये थी कुछ प्रमुख खबरें जो हम आपके लिए लेकर आए थे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।